अस्सलाम वालेकुम, वेलकम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये चैप्टर हमारा डाटा के हवाले से है। अब डाटा क्या चीज़ होती है? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है कि अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हम हर स्टूडेंट की हाइट फाइंड करें तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि फलां स्टूडेंट की हाइट इतनी है, फलां स्टूडेंट की हाइट इतनी है। तो ये जो हमने कलेक्शन जो हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको क्या कहते हैं? डाटा। तो ये चैप्टर हमारा डाटा के हवाले से है। तो उसमें एक चीज है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी हमें बताती है कि जो हमारा डाटा है उसका सेंटर क्या है, हमारे डाटा का सेंटर क्या है। तो हमने फाइंड करना है सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें आती हैं, एक आती है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मॉड। मीन, मीडियन, मॉड। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने ये अलग अलग से फाइंड करनी है कि मीन क्या चीज होती है, मीडियन क्या होती है और मॉड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मीन, कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें पहली चीज क्या आ रही है? मीन फॉर अनग्रुप डाटा। हमारे पास डाटा दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रुप होता है और एक अनग्रुप होता है। अनग्रुप डाटा में हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, और जबकि हमारे पास ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है और क्लास इंटरवल भी होता है। तो सबसे पहले हमने मीन को फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी, x1, x2, x3 या कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अगर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं तो हमने 10 वैल्यूज को सबसे पहले प्लस करना है और उसके नीचे उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। सारी वैल्यूज को ऐड करके उनकी उनकी जो तादाद है उस पर हमने डिवाइड कर देना है। इधर देखो, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन एक्स एन ओवर एन। ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। क्या है? डायरेक्ट मेथड। इसका फार्मूला क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज को आपने सम कर देना है और नीचे उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा मीन फॉर अनग्रुप डाटा आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन 8 पेपर्स आर 58, 72, 65, 85, 94, 78 और 87 और 85, फाइंड द मीन स्कोर। अच्छा, अब उसने कहा है, अब देख सकते हैं कि ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड है, इसके अंदर कोई क्लास, कोई फ्रीक्वेंसी, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम यहाँ वहां पर हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड वाला। अच्छा, अब हमने इसका मीन फाइंड कर, हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 8 वैल्यूज हैं। अब हमने हर वैल्यू को प्लस कर देना है। हमने सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया और नीचे उनकी तादाद पे डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया कि सारी वैल्यूज को प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दिया। जब इन सबको प्लस किया तो कितना आया? 624 ओवर 8। जब हम 624 को आप 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 78। तो हमारा मीन स्कोर क्या आ गया? 78। इसी तरह हमने ये याद रखना है कि अगर हमने मीन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए तो हम क्या करेंगे? हम सारी वैल्यूज को प्लस करके उनकी तादाद पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमने क्या करना है कि जो सारी वैल्यूज हैं 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 4, इन सब वैल्यूज को हमने क्या करना है? प्लस कर देना है और इनकी जो तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हैं। अब पहले तो हमने आप इन 10 वैल्यूज को प्लस करना है और नीचे उनकी तादाद पे क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मीन। आप अगर आपको कुछ समझना है तो आपने एग्जांपल देखनी है, ठीक है। एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल है कि सबको सम कर देना है और उनकी सबको सम कर देना है और उनकी तादाद पे हमने डिवाइड कर देना है। तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को करना है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अल्लाह हाफिज़ फ़रदों।
Thanks for your attention. See you in next class. Love is.